साहब आप सोच नहीं सकते इन बेचारे लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए मेरे दिल में कितनी हमदर्दी और कितना दर्द है। माशे के इन सिसकते हुए लोगों के लिए जितना दुख मेरे दिल में है ना, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ, इतना कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कर ही नहीं पाती। इनकी मदद के लिए मैंने ये एनजीओ इसकी बुनियाद रखी है और उसका नाम हमदर्द रखा, ताकि किसी ना किसी तरह मैं कुछ कर सकूं, इनका इनका दर्द बांट सकूं, इनके तकलीफ और दर्द का कोई मदावा कर सकूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। आपका जज्बा बहुत नेक है मिस्टर साहब। आई रियली अप्रिशिएट, आप जैसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं आपकी जज्बे की कदर करता हूं। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। आप सोच नहीं सकते, जब मैंने इस एनजीओ की इब्तदा की थी, इसको शुरू किया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मैंने फेस की। बहुत प्रॉब्लम्स आई मुझे, ऐसे जैसे एवरीबडी वांटेड मी टू स्टॉप। चाहते नहीं थे लोग इस तरह की एनजीओ बने और वाकई लोगों की खिदमत करें। मैं भी डटी रही, मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, तमाम हर्डल्स को प्रॉब्लम्स को फेस किया और आज देख ले मैं आपके सामने हूँ। बस एक बात कहूँ, This was not possible. ये कभी भी पॉसिबल ना होता अगर आप जैसे बड़े दिल के मुखय्यर हजरात हमें हौसला और हिम्मत देने के लिए मौजूद ना होते। मैं तो सारा क्रेडिट आप जैसे लोगों को देती हूँ, बल्कि खास तौर पे आपको। मेरा ऑफिस आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपके शायान शान तो नहीं है, लेकिन मैं दिखावे में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं सिर्फ काम पे बिलीव करती हूँ। हमारा जो काम है, जो आप देखेंगे, वही हमारी पहचान और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, तभी मैं आपके एनजीओ को डोनेशन देने में इंटरेस्टेड हूँ। थैंक यू सो मच। आप बहुत बड़ा और नेकी का काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसका बहुत सिला देता है। फरा, ये ले बेटा, रोटी ले आई हूँ मैं। अम्मा आ गई तू? बेगम साहिबा ने कुछ पैसे दिए या नहीं? बेटा शुक्र कर कि रात की बची हुई रोटी मिल गई है, वरना फिर भूखे पेट सोना पड़ता। अम्मा सालन नहीं लाई तू? लहसुन की चटनी बना, उसके साथ खा लेंगे। सच पूछ तो मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, लगता है आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। चल साथ खाएंगे। अम्मा लहसुन आलू प्याज सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कल आलू बनाए थे ना मैंने थोड़े से, वो दो तीन आलू बचे, उसमें ना थोड़ा पानी डाल दे, शोरबा बन जाएगा तो दोनों माँ बेटियां शोरबे में डबो डबो के खा लेंगे। अच्छा बेटा वो मन्नू कब गया? वो तो सुबह 9 बजे ही काम पे चला गया था। अल्लाह करे वो फूल वाला चाचा ना मुन्नू को चंद पैसे ज्यादा दे दे, 4-5 रोटियों का तो आटा आ जाएगा ना। हाँ अम्मा, अल्लाह करे आज मुन्नू के सारे फूल और गजरे बिक जाए, फिर मैं कोने वाले दुकान से जाके ना आलू प्याज टमाटर लाके खूब शोरबे वाला सालन बनाऊंगी। अगली है तू, खाब में भी ना तुझे सालन रोटी नजर आती होगी। हाँ और क्या अम्मा, भूखे को खाना ही नजर आएगा ना। चल खाना निकाल और सुन, एक रोटी भाई के लिए रख देना। ठीक है अम्मा। मेरा बच्चा सारा दिन इस गर्मी में रुल रहा होगा सड़कों पे, हालांकि ये उम्र तो उसकी पढ़ने की है। मेरे बच्चे की, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। हर बशर है से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता। बेगम साहिबा, खुदा के लिए फूल ले ले मुझसे, मैंने बहुत दिनों से कुछ दिखाया। मेरी अम्मा एक घर में काम करती थी, वहाँ की मालकिन ने मेरी अम्मा के सारे पैसे काट लिए।
देखिए इस बच्चे की हालत। क्या हुआ बच्चा, तुमने खाना नहीं खाया, तुम भूखे हो? एक काम करो, यहाँ पे ना तुम खाना खाओ और उसके बाद मैं तुम्हें घर भी छुड़वा दूंगी। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, बस आप ये गजरे ले लें मुझसे। अच्छा ये देखो, ये लो पैसे, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए खाना भी ले जाना। नहीं, मैं भीख नहीं लेता। आप एक काम करें, मुझसे सारे गजरे ले लें। अच्छा ठीक है, सुनो जरा, ये सारे फूल रखो, अब तो खुश हो ना? हाँ, ये पैसे रखो, और ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, कोई मसला हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? शुक्रिया बेगम साहिबा। चलो जाओ। मुन्ना आ गया है? मुन्ना, मेरा बच्चा। अम्मा ये देखो मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। फरा बाजी ये लो, इसमें जलेबियाँ, कबाब और रोटियाँ, जल्दी से लगाओ मुझे बहुत भूख लगी है। इधर दे। मन्नू, तो ये जलेबियाँ, रोटियाँ, कबाब कहाँ से लेकर आया है? अम्मा ये मुझे अल्लाह ने दिए, और जब अल्लाह देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। और हाँ, ये पैसे। पैसे? ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मुन्नू सच सच बता, तूने क्या चोरी की है? हाय अल्लाह, तूने चोरी की है? नहीं अम्मा, पहले खाना खाते हैं, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और हाँ एक बात याद रखना, तेरा बेटा भूख से मर सकता है मगर चोरी नहीं कर सकता। ये जिसे तू चोरी कह रही है ना, ये सारी मेरी मेहनत की कमाई है। हाँ इस बार दाम ज्यादा लगे हैं। अच्छा छोड़ो ना, खाना लगाते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा ना। हाँ सही है। तौबा तौबा तौबा, कितने गंदे होते हैं ये लोग, अनहाइजीनिक। अभी तक मेरे कपड़ों में से स्मेल आ रही है, नहाते क्यों नहीं है, साफ क्यों नहीं रहते ये गरीब लोग। अब समीना मेरे कपड़े निकालो, मुझे नहाना है, और ये जो कपड़े चेंज करूंगी ना, इनको तुम ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। अम्मा ये पैसे मुझे बेगम साहिबा ने दिए थे, उन्होंने एक ही बारी में मुझसे सारे गजरे खरीद लिए। और हाँ वो कह रही थी मेरे साथ गाड़ी में बैठो और अपने घर ले चलो। तो मनु तू उन्हें घर ले आता ना, बहुत पागल है तू। अरे बाजी मेरी पूरी बात तो सुनो। अम्मा ये कार्ड मुझे उन बेगम साहिबा ने दिया था, वो कह रही थी किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। और हाँ वो कह रही थी मैं तुम्हारी अम्मा की नौकरी का भी करवा दूंगी। जी जी हो गया। हाँ वो जुबैर साहब को तो बहन खुद लेकर गई थी अपने साथ, अपना एनजीओ का दफ्तर भी दिखाया, फिर उसके बाद कच्ची आबादी में लेकर गई, वहाँ पे खवातीन से उन्होंने मुलाकात की, बातें की, फिर मेरी एनजीओ ने सिलाई मशीनें भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की। बहुत इम्प्रेस हुए वो मेरी डेडिकेशन की, मेरे काम की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो सच कह रहा है, या अल्लाह तेरा ही करम है। मुन्नू तेरी ये बेगम साहिबा तो फरिश्ता बनकर आई है हमारे घर में। जिन बेगम साहिबा के घर में मैं काम करती हूँ ना, वो तो तौबा बहुत सख्त है, काम भी इतना लेती है और पैसे भी नहीं देती। मैं बता रही हूँ बेटा, अल्लाह ने इन्हें हमारे लिए भेजा है, हमारी मदद करने के लिए। हम चलेंगे बेटा। ठीक है अम्मा, लेकिन पहले इन्हें फोन करेंगे। अम्मा मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। नहीं नहीं बेटा, अभी बस हम जाएंगे, जाके देखो तो सही बेगम साहिबा कैसी हैं, वो मेरी नौकरी का करवा भी सकती हैं कि नहीं। ठीक है बेटा हम चलेंगे। अम्मा और बेगम साहिबा बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा था और मुझे गले भी लगाया। वैसे अगर इन्होंने डोनेशन दिया ना, तो फिर मेरी एनजीओ ने एक काम ज़रूर करना है, मजदूरों के लिए, मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए मैं एक मुफ्त दस्तरखान का अहतमाम करना चाहती हूँ। हाँ दो वक्त का खाना इंशाल्लाह। बस आप देख लें, आपकी हौसला अफजाई की जरूरत है मुझे, और प्रॉपर रिकमेंडेशन की, ये काम आपने मेरा करना है। बहुत शुक्रिया, बस अच्छी खबर के साथ फिर मैं आपको फोन करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। आप तो जानते हैं आजकल के हालात, जहां देखो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा, मैं ना मुन्नू बात कर रहा हूँ। कल आपने मेरे सारे फूल खरीदे थे, याद है आपको? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। तुम्हारे जैसे प्यारे और जहीन बच्चे को मैं कैसे भूल सकती हूँ। कैसे फोन किया? सब खैरियत है ना? सब ठीक है? आपको याद है आपने कल अम्मा की नौकरी और मेरे स्कूल की बात की थी ना? हाँ हाँ, मुझे याद है, स्कूल की भी बात की थी, अम्मा की नौकरी की भी बात की थी। बताओ, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अम्मा को आपसे कोई बात करनी है। हाँ तो आ जाओ। लेकिन आज तो छुट्टी है। अरे हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ किया होता है दूसरों के लिए, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। मैंने तुम्हें एड्रेस दिया था ना घर का, बस वहाँ आ जाओ। ठीक है बेगम साहिबा, मैं आज अम्मा को लेके आ जाता हूँ। हाँ हाँ, और कोई गाड़ी टैक्सी रिक्शा करके आना, फिक्र ना करना, कराया मैं दे दूंगी। शुक्रिया बेगम साहिबा। अम्मा अम्मा, बेगम साहिबा कह रही है तुम अभी आ जाओ और गाड़ी का किराया भी वही देंगी। वाह मुन्नू, तेरी बेगम साहिबा तो फरिश्ता निकली फरिश्ता। चलो अम्मा चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। फरा मेरी चादर दे। अम्मा चादर धोए पर मिली है ये, साबुन नहीं था इसलिए मैंने धोया ही नहीं। बेगम साहिबा क्या सोचेंगी? अरे मेरी बेगम साहिबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम तो वहाँ काम से जा रहे हैं, कौन सा दावत पे जा रहे हैं। वाह मुन्नू, तू तो बड़ा समझदार हो गया। मैं ना तेरी बेगम साहिबा से बात करूंगी कि वो तुझे स्कूल में डाल दे। अच्छा छोड़ो ना अम्मा, चलो हाँ, चलो चलते हैं अभी। चल बेटा, दरवाजा अच्छे से बंद कर देना अंदर से, ठीक है? कुंडी लगा लेना। चल 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 चल। अच्छा मेरा बच्चा, ख्याल रखना अपना। वो बच्चा जो मिला था फूल बेचने वाला, हाँ उसी का फोन, ना जाने किस परेशानी में है। मिसेस अब्दी, मुश्किल परेशानी और गुर्बत का ही दूसरा नाम है। ठीक कह रहे हैं, और हम लोग तो बहुत ही करीब से देखते हैं लोगों के दुखों को। अभी आ रहा है अपनी माँ के साथ, अच्छा है आपकी भी मुलाकात हो जाएगी, आप भी देख लेंगे कि हम किस किस तरीके से इन लोगों की कफालत करने की कोशिश करते हैं। मैं तो दिलो जान से कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको क्या बताऊँ, फंड्स खत्म हो गए, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मैं किस तरह इन लोगों को इनकार करूं। प्लीज आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं आपकी एनजीओ के लिए जरूर करूंगा। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मैं कितनी मशकूर हूँ आपकी। प्लीज आप शर्मिंदा ना करें। अरे आप चाय तो पीजिए, ठंडी हो रही है। All my life, I've tried my best कि मैं लोगों की मदद करूं। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। अरे आ गए तुम लोग, आ जाओ अंदर आओ। जूते क्यों उतार रहे हो? जूते उतारने की जरूरत नहीं है, कालीन खराब नहीं होगा, हमने भी तो देखो जूते पहने में। आ जाओ, शाबाश बैठो। ये वो अभी मैंने जिक्र किया था ना कि मुझे क्यों बैठ रही हो, उठो। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो, ऊपर बैठो। तुम क्या मुझसे कमतर हो? हाँ ऊपर बैठो आराम से, आओ तुम भी बैठो। मैं लोगों में फर्क करने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। वेरी गुड मिसेज आब्दी, आपने वाकई अपनी सारी बातें से साबित कर दिखाई। मैं आज तक मुख्तलिफ डोनेशन देता था एनजीओस को और मैं समझता था कि मैं बड़ा आदमी हूँ, लेकिन नहीं, बड़ी इंसान तो आप हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है और आपकी सोचे तो क्या बात है। शर्मिंदा ना करें मुझे, ये कहकर शर्मिंदा ना करें, मैं तो बहुत मामूली सा इंसान हूँ, मेरे इख्तियार में क्या है। किस्मतें और नसीब तो वो बनाने वाला है, ये भी तो मेरे जैसी औरत है, ये मेरे बराबर क्यों नहीं बैठ सकती। दूर से आए हैं, जरा मैं इनका मसला सुन लूँ। आप भी बताओ, सब खैरियत है ना? बेगम साहिबा आप मेरी अम्मा को कहीं नौकरी पे रख दें। क्या काम कर लेती हो तुम? जी झाड़ू पोछा बर्तन, खाना भी बना लेती हूँ। अच्छा हाँ, जरूरत तो मुझे भी है, मेरे पास काम करोगी?
फिक्र ना करो, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, हफ्ते में 2 छुट्टियां भी मिलेंगी। तुम्हारे घर का जो इलाज माल जाए ना, वो भी मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ, मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि किसी की भी इज्जत नफ्स जो है ना, वो मजरूनी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? सर, ये क्या कर रही हो? शर्मिंदा ना करो, उठो उठो, ऊपर बैठो, शाबाश, ऊपर बैठो। आप तो फरिश्ता, मैं आपको ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। कोई फरिश्ता नहीं हूँ और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही। तुम अपना काम करोगी, मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दूंगी, बस और क्या है। ठीक है, फिर करोगी ना काम, कल से काम पर आ जाना। और मुन्नू, अच्छे से स्कूल में दाखिला करा सकती हूँ मैं तुम्हारा, लेकिन शर्त यह होगी कि दिल लगाकर पढ़ना होगा। पक्का वादा, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा। वादा? शाबाश। परा। अम्मा मनु, आगे तुम दोनों। हाँ बेटा, ये कपड़े हैं और ये खाना। और पता है, बेगम साहिबा ने अपने घर में नौकरी दे दी है मुझे। वाह माँ, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। लगता है मनु की बेगम साहिबा बहुत ही अच्छी हैं। वो सिर्फ मनु की नहीं, अब हम सब की बेगम साहिबा हैं। बड़ा हाथ खुला है उनका, इतना सा भी गुरूर नहीं है उनके अंदर। और तुझे पता है बेटा, वो हम जैसे कई गरीब हैं जिनकी मदद करती हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि रुबीना और राशिदा चाची की भी बात करूँ उनसे। फरा बाजी, बेगम साहिबा ना मेरा बहुत अच्छे वाले स्कूल में दाखिला करा रही है, फिर मैं भी बस्ता और किताबें लेके स्कूल जाया करूँगा। अम्मा, मुझे तो लग रहा है कि मैं एक ख्वाब देख रही हूँ या जादू हो गया है, क्योंकि इतनी जल्दी किस्मत तो या तो ख्वाब में बदलती है या तो जादू से। पगली हो गई है तू, छोड़ इन ख्वाबों को, खाना लगा, बड़ी भूख लग रही है। तुझे पता है, बिरयानी के साथ कोरमा और मीठा भी है, बेगम साहिबा ने अपने मेहमानों के लिए बनवाया था, और जितना खाना बचा ना वो सब दे दिया मुझे। बहुत अच्छी हैं बेगम साहिबा, इतनी अच्छी हैं कि अपने मेहमानों के सामने भी हमारी ही बातें कर रही थी। जा बेटा, खाना निकाल जल्दी से। तू भी हाथ धोकर आ बेटा, चल शाबाश, खाना खाते हैं सर। मिसेज आब्दी, हर तरफ आपके नाम का डंका बज रहा है। हर किसी के मुंह पर आपकी खुदा तरसी और हमदर्दी के किस्से मशहूर हैं। सब आपकी बेहद तारीफ करते हैं। तारीफ तो सारी उसकी है जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकूं, वरना मैं किस काबिल। बस लोगों को परेशानी में देखती हूँ तो मेरा दिल कटता है। बस जो हो सकता है करती हूँ। जकिया, तुमने अपने लिए जूस बनाया? नहीं बेगम साहिबा, मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और बाहर देखो कितनी गर्मी हो रही है। जाओ जाओ, ताजा जूस बना के पियो। अच्छा अच्छा, और सुनो, बच्चों के लिए मैंने कुछ फल निकाल के रखा था, जब जाओ तो वो ले जाना, भूल मत जाना। जाओ जाओ। यहाँ आकर तो मुझे मालिक और नौकर में कोई फर्क ही नहीं लग रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये जितना भी मेरे घर का स्टाफ है ना, ये मेरे मुलाजिम नहीं है, मेरे घर के फर्द हैं, मैं इनको इसी तरह ट्रीट करती हूँ। वाकई सब ठीक ही कहते हैं आपके बारे में। अरे जूस लेना। अम्मा, अल्लाह ताला ना हर एक को ना तुम्हारी मालकिन जैसी मालकिन दे, वो तो इतनी अच्छी हैं, वो गरीबों का कितना ख्याल रखती है, कितने गरीबों की मदद करती है ना। और वो जो तुम्हारी पहली मालकिन थी, वो हर छोटी छोटी चीज़ का हिसाब रखती थी। हाँ था तो, हर चीज़ का हिसाब रखती थी वो तो, मगर ये वाली बेगम साहिबा तो सब कुछ देती हैं, बचा हुआ सारा खाना दे देती हैं, और ये देख फल भी दे देती हैं। हाँ, अम्मा सच बताओ, तुम बेगम साहिबा के दिए हुए कपड़ों में ना बहुत ही अच्छी लगती हो। बस कर दे,
ज्यादा मस्का ना लगा। चल बेटा जल्दी से ये चीजें समेट ले, कल सुबह जल्दी जाना है। बेगम साहबा ने कहा था कि मैं तुझे भी लेकर आऊं। सच अम्मा, तू मुझे भी लेके जाएगी? मुझे तेरी मालकिन से मिलने का बहुत शौक है। हाँ, कल बेगम साहबा के घर में दावत है, बड़े बड़े लोग आएंगे। अच्छा है ना, तू मेरा हाथ बटा देना। हाँ अम्मा, फिर तो वहाँ बहुत मजे मजे के खाने होंगे, मैं तो सारे खाने खाऊंगी। खबरदार, अगर तूने वहाँ जाके ना कोई नदीदापन दिखाया। अम्मा मुझे खुश तो हो लेने दे, फिर डांट भी लेना। डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। बेगम साहिबा के मेहमान है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, कोई बात बुरी लग गई उनको तो। इसलिए कह रही हूँ कि तमीज से रहना उनके सामने, समझी ना? अच्छा ठीक है अम्मा। ये सेब भी खाना, मजे का है। ये ले, मेरी तरफ से आपकी एनजीओ के लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे अरे, ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा तोहफा है जी। आप सोच नहीं सकते जुबैर साहब, इस अमाउंट से कितने बेसहारा लोगों को सहारा मिलेगा, कितनी हुनरमंद औरतों को जॉब्स मिलेंगी, कितने घरों के चूल्हे जलेंगे, आपको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी। आई एम सो ग्रेटफुल। ये हमारी तरफ से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों को अंदाजा नहीं है आप लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी दुआएं मिलेंगी आप लोगों। बीबी जी खाना तैयार है, आप कहें तो मैं लगा दूं। हाँ बस तुम सब तैयार रखो, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें बता दूं। ठीक। एक बहुत अच्छी खबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये ज़किया है ना, मेरे घर में काम करती है, मुन्नू को तो आप जानते हैं, उसके दोनों बच्चों को, बेटी और बेटे को, मैंने बहुत अच्छे अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करा दिया। और मुन्नू के बारे में मैंने आपसे कहा था ना, वो पढ़ लिख कर आपकी तरह बड़ा आदमी बनेगा जुबैर साहब। अरे आप बैठिए ना, मैं भी आती हूँ। अरे भाई आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे, लगता है आप लोगों को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ बहुत अच्छा खाना, ये घर के बनावे, सब कुछ घर का बनावे। अच्छा ज़किया मेरी बात सुनो, जाओ तुम लोग भी अब खाना खाओ, यहाँ पे मैं देख लूंगी और बच्चों को खाना खिलाओ, जाओ। नहीं बेगम साहबा, हम बाद में खा लेंगे, अभी भूख नहीं है। अरे नहीं नहीं, इनको खाना खिलाओ, खाना वक्त पे खाना चाहिए। शाबाश, जरूरत हुई तो बुलाऊंगी तुम्हें। तकल्लुफ ना करें। अम्मा क्या है, मुझे कुछ तो खाने को दे दे, कितनी भूख लग रही है मुझे। बेगम साहबा ने कहा भी था कि खाना खा लो, लेकिन मुझे अभी तक खाना नहीं दिया। बेटा थोड़ी देर सबर कर जा, बस मुझे ये बर्तन समेटने दे, फिर देती हूँ मैं तुझे खाना। अम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से काम कर करके हाथ पैर टूट गए। देती हूँ ना, सबर कर जा थोड़ी देर। मेरा फोन कहाँ रखा? ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? अरे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे बर्तनों को हाथ लगाने की या उसमें खाना खाने की? क्या तकलीफ है तुम्हें? थोड़ी सी इज्जत क्या दे दिया? औकात से बाहर हो गए तुम लोग, औकात से बाहर हो गए। इज्जत दे दी ना मैंने तुम लोगों को? हाँ सर पे चढ़ा लिया, उसका ये नतीजा है कि अब हमारी प्लेटों में और हमारे चमचे इस्तेमाल करके खाना खाया जाएगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? निकलो यहां से, निकलो मेरे घर से, नजर ना आओ इनको लेकर, निकलो इन मनुष्यों को। बेगम साहबा को क्या हो गया? वो तुमसे इतना प्यार करती थी, इतने अच्छे तरीके से पेश आती थी, और अब? बेटा ये इन लोगों की मजबूरी है, हम जैसे गरीबों को झूठी मोहब्बत और झूठी इज्जत देके ना ये लोग अपनी जेबें भरते हैं। और जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो हमें धुतकार देते हैं इसी तरह। हमारी बेगम साहिबा की मोहब्बत भी झूठी थी, एक दिखावा।
दिखावा